आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी के पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में हम के नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कई बड़ी बातें कही। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन की सरकार से समर्थन वापसी को लेकर राज्यपाल से वक्त मांगा है। समय मिलते ही वे राज्यपाल को महागठबंधन की सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही संतोष कुमार सुमन ने कई और मुद्दों पर बातें कही। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन, देखिए इस वीडियो में। कार्यकारिणी की बैठक थी, उस बैठक में आप लोग प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। सभी प्रेस के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी पार्टी के लिए एक अहम दिन था, क्योंकि आप सबको पता ही होगा किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। हम लोग ने महागठबंधन पार्टी से समर्थन वापस लिया और जिस हिसाब से मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया, आप सबको पता है कि क्यों हम लोग ने ऐसा किया था। जिस तरह से हम लोग पर दबाव डाला गया था कि हम लोग अपनी पार्टी को मर्ज कर लें, हम लोग सारे साथी कोर कमेटी की बैठक की और सबने एक ही सुर में बोला कि हमको पार्टी को मर्ज नहीं करना है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बना के रखना है। और सभी लोगों के विचार के जानने के बाद और सभी लोगों के निर्णय के बाद हमने निर्णय लिया कि हमको मंत्री परिषद से अलग हट जाना है और 13 तारीख को हम लोग अलग हटे। उसके बाद अब सवाल आया कि हम लोग आगे क्या करें, आगे का क्या निर्णय लें, इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। और बैठक में सभी सम्मानित सदस्य हमारे आए, मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के बैठक में बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई और करीब सारे सदस्यों ने अपनी बातों को रखा और पूरे विस्तार से रखा, हर पहलू को रखा, चाहे पार्टी का संगठन का विस्तार हो, चाहे पार्टी को आने वाले समय में हम किस ओर जाएंगे, चाहे हमारा गठबंधन कैसे हो, हम अकेले चुनाव लड़ें या थर्ड फ्रंट बना के लड़ें, सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सब साथियों का विभिन्न तरीके का अपना अपना जो विचार है आया है, और लेकिन अंत में सब मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सब सदस्यों का एक ही विचार आया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संरक्षक महोदय का विचार होगा, सब पार्टी के एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जो हमारे संरक्षक महोदय का विचार होगा पार्टी हित में होगा। इसलिए मैं अपने आदरणीय संरक्षक महोदय को भी, अपने सभी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को, माननीय विधायकों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रमेश सिंह जी हैं, जितने लोग हैं सब ने मुझ पर विश्वास किया, मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और उन लोगों ने मुझे ये अधिकृत किया कि हम पार्टी हित में, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए अधिकृत किया गया। साथियों, ये मेरे सामने भी एक चुनौती भरा विषय है और मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। और हम समझते हैं कि जो विश्वास और जो आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन का विस्तार करने के लिए होगा, हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया, हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से, तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे। और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी। और सब बातों पर विचार करने के बाद 3-4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए, हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय मिलेगा, हम लोग सब लिखित तौर पर जा करके सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। ये बातें आपको बता रहे हैं, बाकी आगे की जो भी रणनीति होगी, अभी 2-3 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि हम लोग मंथन करेंगे और मंथन करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करके जो आज निकला है और जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार को मैं कर करके
तीन दिन के अंदर में निर्णय सुनाऊंगा। देखिए ये बात नहीं है कि बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी अभी विचार हमें एक शक्ति प्राप्त हुई और हमारे सम्मानित जितने सदस्य हैं हम लोग सब बैठेंगे एक बार फिर से और निश्चित तौर पर हम लोग सबसे बातें करेंगे और पार्टी हित में जो होगा, जो दल हित में होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा और हमारी जो हम जिस गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं उसमें हम निर्णय लेंगे। चर्चा है, दबाव आपने बना दिया है 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के ऊपर चर्चा है कि दबाव आपने बना दिया है 5 सीटों के लिए। अरे आज तक हम लोग किन्हीं से सीट मांगे ही नहीं है, ना महागठबंधन में हम लोग मांगे थे, ये दबाव की बात कहाँ आती है। हम तो अपनी बात, अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहाँ से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके संसद में जा सकते हैं, ये बात हमने कही थी। कोई दबाव नहीं है, जब बातें होगी किन्हीं से तभी तो सीट की संख्या बताई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। अभी बहुत प्रीमैच्योर है साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन 4 दिन रुके, हम लोग दिल्ली से लौटेंगे। देखिए निश्चित तौर पर दिल्ली हम जा रहे हैं तो अपनी संभावनाओं को तलाश करने जा रहे हैं और भी स्वास्थ्य कारणों से भी जा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और 2-3 दिन का समय दीजिए, हम दिल्ली से वापस आएंगे तो एक स्पष्टता लेके आएंगे। देखिए अभी अभी कोई तय नहीं है, दिल्ली जाने के बाद तय होगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। राज्यपाल से जो मुलाकात होगी, क्या समर्थन वापसी के लिए भी आप राज्यपाल को देंगे? जी निश्चित तौर पर आज राज्यपाल महोदय का समय मिलेगा तो हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने माननीय विधायक हैं, जो हमने समर्थन का पत्र दिया था, हम वो समर्थन वापसी के लिए वो पत्र उनको सौंप करके हम लोग आ जाएंगे। जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल महोदय का समय मांगा है, हम समझते हैं आज समय मिल जाएगा। दिल्ली जाएंगे तो किसी न किसी नेता से तो मुलाकात होगी, अमित शाह से मुलाकात होगी या किसी और नेता से मुलाकात होगी। अभी ये भेग में है कि किनसे मुलाकात होगी, वहाँ जाने के बाद स्पष्ट हम कर देंगे आप लोगों को, आप लोग का हर समय अपडेट करेंगे, आप निश्चित रहिए। चलिए धन्यवाद।